एकदम से बोलते हैं चलो निकल जाओ नहीं रखना मुझे, बराबर। सेम ही लीज में अगर बात करूं तो कोई भी लीज एक एग्रीमेंट होता है जो किसके बीच में होता है, मोर देन टू पर्सन के बीच में होता है, मोर देन वन पर्सन के बीच में होता है। एक कौन होता है, एक पर्सन होता है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक पर्सन का होता है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, और दूसरा पर्सन होता है उस चीज का बायर। बायर कैसा है वो, पार्टली बायर है, मींस हमेशा के लिए नहीं खरीद रहा है, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसको वो चीज चाहिए, बराबर, वो चीज उसको चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दूं, कोई भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, क्लियर, जो कंपनियां होती है या मोस्ट प्रोबेबली जो पेट्रोल पंप टाइप होते हैं, क्लियर, मेरी बात समझे, क्या बता रहा हूं, जैसे कोई पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप है, क्लियर, कोई पेट्रोल पंप प्लस आज के नाते जो देखते हैं मॉल है, अगर मुझे कोई चीज बनानी है या कुछ सेटअप करना है, आपको हर किसी को पता है कि आज भी एक लैंड की वैल्यू कितनी है, उसकी प्राइस आपको पता है कितनी ज्यादा है, क्लियर। आज इसके ऊपर जितना मैं सेटअप बनाऊंगा ना उतनी बड़ी जगह में, उसका वन थर्ड या हाफ पार्ट तो लैंड में ही चला जाएगा अगर मेरे को खरीदना होगा तो क्या मैं मेरा मॉल बना पाऊंगा उस पर, नहीं बन पाएगा। तो मोस्ट जितनी भी जगह पे जहां पे पेट्रोल पंप है, जैसे मॉल है, ये सब क्या करते हैं, इनको मालूम है कि मुझे क्या करना है, मुझे पेट्रोल पंप खोलना है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे किसी को क्या पेट्रोल पंप या मॉल बनाना है, ठीक है, चलो पेट्रोल पंप छोड़ो मॉल बनाना है, क्लियर। मॉल तो कोई बना सकता है, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लो, सब प्रोडक्ट दिखा लो, ठीक है बना लो। यार जमीन चाहिए, जमीन के लिए अगर सपोज मैं कोई बड़ी सी जमीन ले रहा हूँ और उसमें अगर मॉल बनाऊंगा तो मेरा तो खर्चा और डबल हो जाएगा, मींस मेरा इन्वेस्टमेंट जितना करूंगा उसमें तो एक छोटा सा बनेगा, तो क्या हुआ, मींस जितना साइज छोटी प्रॉफिट भी उतना छोटा, क्लियर। तो मुझे लैंड पे इतना क्या करना है, तो लोग क्या करते हैं जल्दी फास्ट प्रॉफिट के लिए क्या कर लेते हैं, जो जमीन है ना वो देख लेते हैं, तो क्या करते हैं भाई मुझे लीज पे चाहिए। लीज मींस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो जन के बीच में, कि जिसके अंदर वो क्या डिसाइड करते हैं, उनके अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, उनकी क्या कर लेते हैं अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, ये प्राइस ऑफ आइटम मींस जो भी चीज वो एज एग्रीमेंट कुछ टाइम पीरियड के ले रहे हैं उसका वो डिसाइड। मैक्सिमम जो लीज पे था कितना आता है, 99 इयर्स तक जाता है, ठीक है 99 इयर्स तक जाता है कि हाँ यार मुझे ये चीज चाहिए, चलो ठीक है कब तक के लिए चाहिए, मींस 19 इयर्स। अब ये इनके बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। अब कोई सीधी सी बात है, जहां कहीं पे भी कोई एग्रीमेंट बन रहा है, क्लियर, तो ये कैसा होता है, गवर्नमेंट से इस पे स्टैंप होता है, मींस ये कैसा होता है, लीगल होता है। इसने क्या किया, सपोज कोई एक एक्स नाम का पर्सन है, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर, एक सपोज कोई एक्स नाम का एक पर्सन है जिसको क्या करना है, मॉल, एक मॉल बनाना है, ओके, उसके पास पैसे है, मोर देन 100 करोड़ रुपीस है उसके पास, और उसका जो प्रोजेक्ट भी है, क्लियर, उसका जो प्रोजेक्ट भी है वो भी सही इतना ही, मतलब इसका 100 करोड़ रुपए किसमें लग जाएगा, जो वो मॉल कंस्ट्रक्ट करेगा उसके अंदर फिर फर्नीचर आएगा वो सब, मीन्स उसका टोटल कितना चला गया, 100 करोड़ पूरे चला जाएगा। उसको अगर इतना बनाना हो तो क्या वो उसको लैंड जो लेनी होगी इतनी जो अमाउंट है सपोज, तो क्या इतनी छोटी सी लैंड लेगा, नहीं, लैंड भी अच्छी बड़ी ही होगी, तो उतनी अगर लैंड परचेस करने जाएगा तो इसका तो हाफ से भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि लैंड की कीमत कितनी चल रही है। तो वो क्या करेगा, कोई एक प्लॉट देख लेगा, कोई एरिया मीन एक लैंड देखेगा, सपोज वहां पर जाके बात करेगा कि यार मुझे मेरे मॉल के लिए चाहिए, रेंट पे नहीं, आप मुझे किसमें दोगे, लीज पे दे सकते हो, क्लियर, किस तरीके से होता है, आप मुझे लीज पे दोगे, तब सामने लगे बोलेगा ठीक है मैं आपको लीज पे दे सकता हूँ, कितना लैंड चाहिए, बोले पूरा चाहिए, बोले ठीक है हो जाएगा, उसकी प्राइस को बता देगा कि उस लैंड की या मंथली क्या प्राइस होगी और वो कितने साल तक चाहिए, तब एग्रीमेंट पे डिसाइड कर लेंगे, हाँ मुझे 50 इयर्स तक चाहिए या 99 इयर्स चाहिए मैक्सिमम, मुझे इतने साल तक चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है चल मैं एग्रीमेंट करता हूँ,
मुझे हर मंथली प्रॉपर जो अमाउंट हमने डिसाइड करी है उन दोनों के बीच में उतना मिल जाना चाहिए। क्लियर? कोई भी लीज के अंदर भी क्या करते हैं, एक स्टेजेस में मतलब अमाउंट रखते हो। अब क्या निन्या के साथ जैसा करें बोलू कि 1,00,000 रुपए रोज का मंथली होगा, ठीक है, 1,00,000 रुपए एक क्लाइंट की मंथली मिलेगी। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 1,00,000 रुपए जितना तो होगा ना इस बंदे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेगा वो 99,00,000 रुपए लेता रहेगा, ये तो अपना प्रॉफिट बढ़ाता ही जाएगा ना। तब क्या होगा, वो सरकार एक डिसाइड करता है कि भाई देख एक से लेकर 5 साल तक तू मुझे कितना देगा, 1,00,000 रुपए देगा। जैसे 5 साल के बाद मैं इसमें कितना जोड़ दूंगा, 1,20,000, बराबर। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम कोई पता है कि महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो अपने लैंड की वैल्यू भी तो बढ़ाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें का आप जब एग्रीमेंट करेंगे ना उसके अंदर आपको सारी चीजें मेंशन करनी होगी, ए टू जेड सारी चीजें। प्लस इसके अंदर एक चीज वो भी आती है कि अगर इसने लीज कब तक के लिए, 99 ईयर्स, सपोज एग्जांपल के तौर पे 19 ईयर्स की, या मैं बोलूं 50 ईयर्स की लीज ली, क्लियर, उस तक मैं मॉल खड़ा कर लिया है, ठीक है। लेकिन इस टाइम से पहले ही मींस 40 ईयर्स जब हुए, अब वो क्या बोल रहा है कि यार अब मुझे नहीं करना, मींस अब मेरा मॉल मेरा बंद करना है, बंद कर देना है, ठीक है, हो गया, अब मुझे मतलब आपकी लैंड ले लो और हो गया। तो अब ये पर्सन क्या बोलेगा कि सर एज पर दी लीज एग्रीमेंट आपने कितने साल में लिया था, 50 ईयर्स के लिए, क्लियर, और आप अभी कितने में जा रहे हैं, 10 ईयर्स के लिए। 50 ईयर्स के लिए मैंने अपनी जमीन आपको दे दी थी, तो रिमेनिंग जो भी टाइम पीरियड मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अब अपनी जमीन कब ले लूंगा, 50 ईयर्स के पास वो मेरी हो जाएगी, तो उसके बीच का जो अमाउंट है वो तो आपको देना ही होगा। क्लियर? समझ रहे हो? क्योंकि भाई हमने तो एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकते, अगर एग्रीमेंट तोड़ रहे हो तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनल्टी देनी होगी। क्लियर है? बराबर, ठीक है, ये एक फर्क होता है। प्लस एक लीज और एक रेंट में एक और चीज का फर्क होता है, आप लीज में कितने भी साल तक ले लो, ठीक है, वन टाइप ऑफ रेंट ही बोला जाता है उसको, रेंट के तौर पे लिया जाता है। क्लियर? अगर आप किसी एक एग्जांपल के तौर पर, कोई एक घर है, ठीक है, घर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया चलेगा, एक घर है आप उसमें 20 साल से, ये आज के लॉ के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, मोटे 20 ईयर्स से अगर रह रहे हो वहां पे और आप 20 साल से कंटिन्यू उसका रेंट पे कर रहे हो, 20 साल से सलन कंटिन्यू 20 ईयर्स से आप वहीं पर और आप उसका रेंट पे कर रहे हो, तो एट द एंड आप 20 साल के बाद आप ये चीज का क्लेम कर सकते हो कि मैंने जो ये होम है ना मेरा परचेज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यू उसके ऊपर क्या कर रहे हो, भाड़ा भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो, वन टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट जैसा हो गया 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स तक उसको पे करते ही जा रहे, ठीक है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या यहां पर बताया गया ना कि अगर इस चीज से बचना हो रेंट से, तो आप क्या करिए, जो रेंट का भी एक एग्रीमेंट होता है, मींस आप किसी को भी रेंट पे अगर दे रहे हो तो वो कितने के टाइम पीरियड के लिए दो, 11 मंथ्स के लिए दो, 1 साल के लिए देना कोई भी, 1 ईयर के लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है, 11 मंथ के लिए दो, देन जैसे ही बस इतना टाइम पीरियड के लिए दे दो मैक्सिमम, ये क्या होता है मैक्सिमम लिमिटेड, देन अगर उसको फिर से आपका रहना है कि नहीं मुझे तो वापिस आना है, ओके हम क्या कर देंगे फिर से, जैसे यहां पर भी सब जगह क्या हो रहा है रिवाइज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है रिवाइज, रिवाइज हम क्या करेंगे, ठीक है सर्टेन चेंजेस, ओके आपको फिर से देना है, फिर से मैं एग्रीमेंट बना लेता हूँ, कितने टाइम पर आप कब तक रहेंगे, ये साल लेना है मेरे को, ओके ठीक है फिर से अगेन क्या हो जाएगा 11 मंथ। अगर इस तरीके से आप एग्रीमेंट पे चल रहे ये आपका कैसा हो गया ईयरली एग्रीमेंट, तो ऐसे तो अगर वो कितने साल भी रहे स्टिल तब भी वो क्लेम नहीं कर सकता कि ये नहीं अब मेरा घर हो गया मैं तो इतने साल से पैसा भरता रहा, नहीं सर हम तो हर बार का क्या कर रहे थे एक एग्रीमेंट बना रहे थे और वो एग्रीमेंट आप पूरा कर रहे हो, दैट्स इट। तो ये होता है रेंट का, ये अभी का लेटेस्ट क्राइटेरिया है, और लीज में आप कितना लॉन्ग पीरियड तक के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। रेंट कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लीज लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, पर आप कोई भी जगह पर भाड़े से जा रहे हो तो आप ऐसा ही बोलोगे नहीं 20 साल के लिए मेरे को लीज पे दे दो, कौन बोलेगा ऐसा, कोई बोलता है
इसमें बिजनेस स्टार्ट करना या बड़ा प्रोजेक्ट उसके लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए, लीज और रेंट में डिफरेंस समझ में आया क्या है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अभी यहां पर और क्या दिया गया आपको? अर्निंग पर शेयर। क्लियर? यहां पर किसके बारे में बात करी जा रही है? अर्निंग पर शेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। अर्निंग पर शेयर का ईपीएस के नाम से इसको जाना जाता है। अब अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं, मींस रिलेटेड टू शेयर मार्केट, बराबर। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अप्रैल 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। अब एक शेयर की वैल्यू क्या है, ठीक है, सेम उसके अंदर उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, एक शेयर की वैल्यू क्या है। हम खरीदते एक शेयर है, लेकिन उस शेयर के सामने एक की वैल्यू भी अलग अलग होती है। कोई 60 रुपए का एक शेयर होता है, ठीक है, या बहुत से शेयर होते हैं जिसका एक शेयर की वैल्यू ही इतनी चली जाती है। क्लियर? या बहुत से जो सबसे ज्यादा बहुत महंगा होता है अभी के टाइम पे, वो बिटकॉइन। बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा सबसे टॉप लेवल चलती है। शेयर मार्केट में आपको रिगार्डिंग ये सारी चीजें किसे लगी, हर कंपनी अपना एक शेयर मार्केट में अपने शेयर्स रिलीज करती है। क्लियर? शेयर्स किस तरीके से होते हैं? कंपनी को कभी कुछ पैसे की जरूरत होती है ना, तो कंपनी का बैंक के पास तो जा नहीं सकती, हर बार मीन्स जा तो सकती है, लेकिन उसका सामने से पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज, मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी बैंक क्या देगी, सामने पैसा देगी। प्लस बैंक क्या चार्ज करती है? हाँ सही है, बैंक क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्लियर? तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक चीज गिरवी देनी पड़ेगी, देन उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इस चीज के अलावा उसके पास एक अनदर ऑप्शन है, वो क्या करता है, अपनी जो जिसको मॉर्गेज करनी थी ना, उसी के सामने उसकी वैल्यू रखता है कि हाँ ये मेरी मशीन, ये जो लैंड है इसकी वैल्यू होगी, ये उसकी एक वैल्यू हो गई। इस वैल्यू का जो भी पार्ट होगा शॉर्ट एकदम छोटा 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 पार्ट कर देगा, ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू 10,000 रुपये, तो इसको कितने टुकड़े में बांट देगा ताकि एकदम नॉमिनल छोटी छोटी अमाउंट हो जाए। क्लियर? अभी जैसे सपोज मैं इसको 10 हिस्से में बांट देता हूं, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000 रुपये। क्या एक जो मिडल मैन है वो 1,000 रुपये का खरीदेगा एक शेयर? बहुत रेयर केस में खरीदेगा, बहुत रेयर केस मींस जो न्यूली आ रहा है शेयर मार्केट वो तो नहीं खरीदेगा। कंपनी वाला क्या करेगा, यार एक काम करता हूँ, 10,000 के शेयर के मैं कितने हिस्से कर लेता हूँ, 100 हिस्से कर लेता हूँ, मींस कितने, ऐसे 100 हिस्से कर लेता हूँ। अब जो एक शेयर की वैल्यू होगी वो उसके सामने कितनी हो जाएगी, जो एक शेयर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। स्टिल बहुत सारे ऐसे होंगे कि नहीं यार नहीं खरीद सकते इतने, क्यों, क्योंकि 100 ही जगह से होंगे जो बस इसने शेयर खरीद लिए, मीन्स आगे भी कितने 100 ही लोग होंगे जो शेयर खरीद रहे। कंपनी वाला क्या करेगा कि यार मैं काम करता हूँ और सस्ता करो, जितनी अमाउंट छोटी रखूंगा उतने मेरे शेयर जल्दी से बिक जाएंगे। क्लियर सी बात है? सिर्फ अगर मैं एक चीज की कीमत रखता हूँ 1,000 रुपए, तो बहुत से जन देख के छोड़ देंगे, यार अभी 1,000 रुपए तो नहीं है यार, तो एक काम करो छोड़ो। कंपनी को पैसा तो मिलेगा, लेकिन क्या साथ थोड़ा जो उसका टाइम पीरियड है थोड़ा लंबा चला जाएगा, कुछ टाइम के बाद मिलेगा। 100 रुपए रखता हूँ अभी थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 100 रुपए भी। कंपनी वाला क्या करेगा, मेरा 10,000 का है उस चीज की वैल्यू मैं कर देता हूँ 1,000 रुपये रख देता हूँ। अब एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 10 रुपीज। ओके, जैसे ही मार्केट में पता चलेगा कि एक कंपनी अपना शेयर दे रही कितना, 10 रुपीज, अरे 10 रुपीज का शेयर, 10 रुपीज नॉमिनल अमाउंट, हर कोई बहुत जल्दी से खरीदेगा कि हाँ 10 रुपए का तो मैं खरीद लेता हूँ। अगर कम ज्यादा भी हुआ, अगर लॉस भी हो तो कितने का होगा, 10 रुपए का। प्रॉफिट हुआ तो, अरे प्रॉफिट हुआ तो फिर तो अच्छा ही है, 10 रुपए का आज के टाइम पे कौन प्रॉफिट देता है, समझ रहे हो? एज कम्पेयर टू 1,000 और 100 से आप लोग खुद भी पहले किस में जाना चाहोगे, हाँ यार इस पे जाना सही है। अभी मगर इसके ऊपर भी कितने लोग शेयर खरीद लेंगे, 10 शेयर खरीद लेंगे, तो कितना हो गया, सेम 100। लेकिन बस यहाँ पर फर्क वही है, हमको दिखता क्या है कि हमने एक खरीदा, यहाँ पर हम खुश हो जाते हमने 10 शेयर खरीदे, ठीक है। ये सब एक लॉजिकल चलता है, एकदम माइंड गेम चलता है पूरा, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे आएंगे कुछ टाइम बाद शेयर मार्केट को समझेंगे तब पता चलेगा, क्लियर। शेयर मार्केट भी समझने से चीज है पूरी, समझ में आ रहा है किस तरीके शेयर मार्केट चलता है, शेयर्स की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्या है? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसके बात करी जा रही है? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिगार्डिंग बात करी जा रही है यहां पे भी. नेक्स्ट क्या दिया गया? कब आया था ये? अप्रैल 2001 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था. दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एन इंटेंशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप. मेन इंटेंशन क्या था इनको? कि बिजनेस की रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड की जाए. ठीक है, कंसोलिडेट की जाए. नेक्स्ट कौन सा आ गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22. कौन सा आ गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22. क्या दिया गया? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? टैक्सेस एंड इनकम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं यहां पे. अप्रैल 2001 में इसको क्या गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था. किसको? अकाउंटेड फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. आज तक हर कोई इससे भाग रहा है, टैक्स और इनकम के नाम से, है ना? देन दिस चैप्टर डील्स विद डिटरमिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर रिलेटेड रेवेन्यू. ठीक है, आपको अपना टैक्स और इनकम के रिगार्डिंग बताना पड़ेगा, मींस मेंशन करना होता है कि आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, आपको उसके सामने आपका कितना इनकम हुआ है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है. ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2001 में, अप्रैल 2001 में. क्लियर? मोस्ट ऑफ चीजें देखना जो हुई है अप्रैल में ज्यादा होती है, अप्रैल मार्च. क्लियर? क्योंकि क्या न्यू ईयर हम फॉर्मेट करते हैं एज पर इंडियन फाइनेंशियल ईयर 1st April टू 31st March, यही होता है हमारा. तो सब क्या करते हैं जनरली, कोई भी चीज पहली तारीख से चालू करते हैं या न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा तब से इंप्लीमेंट कर देते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट आगे चले. ओके, हियर वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23. किसका आ गया हमारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 23. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जुलाई 2001. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाया गया था? जुलाई 2001 में इसको बनाया गया. क्लियर? दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर. किसके ऊपर रिगार्डिंग काम चल रहा है? इसके ऊपर हुआ था. प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉलोड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसके रिगार्डिंग? कंसोलिडेट रिकॉग्निशन, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिगार्डिंग इसके ऊपर बताया गया था हमको. कब? जुलाई 2001 में इसको बताया गया. नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24. किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. कैसा है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मींस ऑपरेशन यहां पर वो जो सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं है, एक जो पर्टिकुलर टास्क चलता है या प्रोजेक्ट जैसा होता है कि हम लोग किसी फील्ड पे काम चल रहा है, वो क्या वन टाइम हमारा ऑपरेशन ही चल रहा है. ठीक है, अगर वो डिसकंटिन्यू कर दिया मींस हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है और आपने बिजनेस ब्रेक कर दिया कि नहीं बस अब नहीं करना, ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया. इसके रिगार्डिंग भी अकाउंट के अंदर एंट्री मींस रूल्स आएंगे. कब आया था वो? फरवरी 2022 में इसको स्पेसिफाई किया. दिस स्टैंडर्ड डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज with the activity which are continuing. clear? इसके रिगार्डिंग आप तो सिर्फ समझेंगे ना, ये प्रैक्टिकल में बहुत इजीली समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से एंटरप्राइज के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि डिसकंटिन्यूड की बात की गई है इसलिए. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25. कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 दिया हुआ है. इसमें किस बात कर रहे हैं? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. किसकी रिगार्डिंग बात की गई है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो मेनली कब इंट्रोड्यूस की गई थी? फरवरी 2002 में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था. जिसका क्या था? दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द मिनिमम कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. क्या था? मिनिमम, छोटा छोटा कंटेंट जो भी होता है वो भी सारी चीज क्या करेंगे आप इसमें
रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट्स, किसके रिगार्डिंग बात चल रही है? इनटेंजिबल एसेट्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इनटेंजिबल एसेट्स आया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी 2002 में। क्लियर? इनटेंजिबल एसेट मींस ऐसी एसेट्स जिसको ना आप देख सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? ना आप उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यू कैन जस्ट फील इट, ओके, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको, अज्यूम कर सकते हैं। दे कॉल इट इनटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग मींस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कौन सा बोला जाए, देख द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इनटेंजिबल एसेट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय एनी अदर स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मींस अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इनटेंजिबल एसेट्स का बिजनेस के रिगार्डिंग, तो हमारा फर्स्ट इज गुडविल। आप किसी बिजनेस की वैल्यू जो होती है क्या उसको मनी से डिसाइड कर, अरे ये 20 रुपए का है यार, 20 रुपए की वैल्यू है इसकी, नहीं। आपको पता, आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। ये किसी की ऑनेस्टी हुई, ठीक है, कि जैसे कोई ईमानदार है, अरे नहीं ये 20% ईमानदार है या 10 रुपए का ईमानदार है, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते उसको। क्लियर, समझ रहे? तो आप इनटेंजिबल मीन्स आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते कि हाँ यार ये बहुत, या मुझे ये चीज देख के अच्छा लगा या 10 रुपए का अच्छा लगा, ऐसा नहीं, मुझे कैसा फील हुआ है। क्लियर? कैसा? इनटेंजिबल है। या बिजनेस के रिगार्डिंग कैसा होता है? यहाँ पर आप गुडविल की बात करते हैं। क्लियर? यहाँ पर कैसा है? गुडविल के ऊपर बात की जाती है। जैसे कैसे हो कि वो इनटेंजिबल है, स्टिल इट्स अ एसेट ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, अब कहां तक आ गए हम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 पे क्या दिया गया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर जॉइंट वेंचर। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? फरवरी 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जॉइंट वेंचर मींस, वेंचर का मतलब क्या होता है? जो प्रोजेक्ट होता है ना, आप कंटिन्यू करते हैं, आपके साथ तो मिलकर जो काम किया जाता है, दैट्स कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। दिस स्टैंडर्ड सेट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। क्लियर? नेक्स्ट 28, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, जिसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2004 में। इसका आगे मंथ नहीं बताया गया है कौन से मंथ में, क्लियर, लेकिन कब बताया गया था? 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर टू इंश्योर दैट एन एसेट इज कैरीड That no more than its carrying amount. Clear? आप फिर से यहाँ पर समझिए कि किसके बारे में बता रहे हैं? Impairment of assets क्या बता रहे हैं? The standard prescribed procedure to ensure that an asset is carried at not more than its carrying amount. आपकी जो asset है, आपकी आपके पास जो assets है, एक मशीन है जिसकी कीमत 5 लाख रुपीज है, लेकिन आप उसके ऊपर depreciation आपको चार्ज तो करना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड के बाद उसको जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, मींस आपके एसेट की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी? नहीं, जीरो हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोचे कि नहीं यार, मेरे को जल्दी जीरो नहीं करना है, तो मैं काम करता हूँ, मेरी मशीन की वैल्यू कितनी? 5 लाख है, मैं काम करता हूँ, उसकी वैल्यू ज्यादा लिख देता हूँ, बुक्स में क्या लिख देता हूँ? 6 लाख रुपए लिख देता हूँ। तो क्या, हाँ, तो डेप्रिसिएशन भी थोड़ा कम हुआ, तो थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो आप इस तरीके से ऐसा नहीं करेंगे, जो एसेट की जो वैल्यू है आप वही लिखेंगे। और हमने इसमें देखा भी था कि सपोज आपके पास कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू है, आपका क्लोजिंग स्टॉक बचता आपके पास, आपका कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, हम कौन से लिखते हैं? विच एवर इज लो। क्लियर? और सपोज अगर दोनों दिया हुआ है तो विच एवर इज लो प्लस, मेनली किस पे फोकस किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे ही किया जाता है। आपने वो चीज कितने में खरीदी, आप वही प्राइस देखेंगे, ना उससे ज्यादा लिखेंगे ना उससे कम, एग्जैक्ट आपने जो परचेस किया है वही, क्योंकि आपको अकाउंट कैसा मेंटेन करना होता है? एकदम यूनिफॉर्मिटी एंड ऑनेस्टी मेंटेन करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे चैप्टर के हिसाब से ये लास्ट है, हमको 29 तक हमको बताया गया था। अब कौन सा लास्ट? प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। इसके रिगार्डिंग है, लायबिलिटी एंड एसेट्स के रिगार्डिंग है, जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद
मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इन थ्री एरिया, इन थ्री एरिया, नेमली प्रोविजंस। क्लियर? हमको यहां बताया कि आपके क्या प्रोविजन, लायबिलिटी और एक एसेट्स, हमने तीन चीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बिजनेस को, मींस इन तीन के मेजर्स में हम लिखते थे। फर्स्ट क्या था? प्रोविजन। हमने हर एक चीज का एक प्रोविजन बना के रखा था कि उस प्रोविजन के अंदर इसको स्पेसिफाई करेंगे। प्लस एक और चीज बनाई थी लायबिलिटी, हमने एक लायबिलिटी का भी एक प्रोविजन बनाया था जो मेनली हमको कहां देखने मिलती है, बैलेंस शीट में देखने मिलती है। हम बैलेंस शीट में बनाते हैं लायबिलिटी और एसेट्स, जो लायबिलिटी सारी चीजें वो इस साइड पर आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स आ जाते हैं राइट साइड में। क्लियर? हमने उसको कैसे अपने अपने एज पर देयर क्राइटेरिया हमने उसको डिवाइड कर दिया, मींस डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया गया। ऑल द अबव स्टैंडर्ड इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आर रिकमेंडेड फॉर अस बाय कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किसके ऊपर किया जाता है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर लार्ज कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। इन शॉर्ट अगर आपको बताओ कि जितना भी अकाउंट के रिगार्डिंग जो रूल्स आते हैं ICSI प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है हमारा, ये जो रूल्स बनाता है बराबर, ये कौन से लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक, ये शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? प्लस अदर जो लार्ज कंपनियां भी है वो सभी के लिए, कॉमर्शियल कंपनियां, इंडस्ट्रीज है, बिजनेस एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, हर किसी के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कैसे होंगे? सेम। चाहे वो फिर वो कंपनी करोड़ों का बिजनेस कर रही हो या कोई कंपनी हजार रुपए तक का बिजनेस कर रही हो, क्लियर, वो दोनों को जो अकाउंट होगा, अकाउंट के जो फॉर्मेट होंगे वो सेम मेंटेन करना होगा, क्योंकि एज पर रूल हर किसी को मेंटेन सेम ही तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ चेंजेस की तरह जाएंगे, उनकी अमाउंट ना जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सब चीज। चलिए, हियर वी हैव एक्सरसाइज 3.5। यहां पर ये सारी चीज है क्योंकि हमको 29 दिए गए थे, हमारे पास कितने ऐसे टोटल 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिसमें हमारे बुक में कितने बताए हैं, सिर्फ 29 को ही एक्सप्लेन किया गया था। तो यहां पर उन्हीं के रिगार्डिंग आपको क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, कि आपको पता होना चाहिए कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विद, आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है इसके अंदर किस चीज से डील करता है। जैसे हमने लास्ट देखा अकाउंट 29 26 20 21, ये किस चीज से डील करते हैं आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन सी चीजें आएगी। जैसे फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विद किस चीज से डील करता है, वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। किस से डील किया जाता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 डील्स विथ, जो भी हमने लास्ट देखा, लास्ट था किसके ऊपर था, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स पे था। किस पे था? प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। क्लियर? यही है यहां पे, क्लियर है? बस इसी तरीके से आपको याद करना, और सिर्फ 29 ही है, क्लियर, आराम से हो जाएंगे 29, जिसमें कि फिलिंग तो नेक्स्ट में देखिए अभी इतने तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है? थर्ड नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद, जल्दी से याद करिए, अभी हमने देखा हुआ है कौन सा था 26 पे, कौन सा है, इनटेंजिबल एसेट्स, कौन सा था, इनटेंजिबल एसेट्स। प्लस ये कब आया था? फरवरी 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? कब आया था ये इंटेंजिबल एसेट्स? प्लस 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आप इन सब में ईयर भी आप रखिएगा कि कौन से ईयर में आया था, मेनली आप लोग सिर्फ इतना ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आया है, कौन से ईयर में, या वो सारी चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डील्स विथ, आपको इसी तरीके से पूरा फॉर्मेट होगा 1 to 29 अपनी बुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको बस याद रहे कि बस जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट बात करें तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी,
29 बात किया जाए तो प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स के ऊपर होगा, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स पे होगा। क्लियर? आपको एक बार वैसा बार बार देखते रहेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। क्लियर? देन कौन सा दिया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डील्स विद, किसके ऊपर था ये 20 वाला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किसके ऊपर था ये देख ले एक बार, किसके ऊपर था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या भी अर्निंग पर शेयर, शेयर मार्केट के ऊपर जो बताया गया था किसके ऊपर था? अर्निंग पर शेयर, जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अप्रैल 2001 में क्या किया था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील्स विद, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है वो किस चीज पे डील करता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस पे आएगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 किसके ऊपर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील्स विद डैश, किस पे डील किया जाता है? 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्स सीज ऑन इनकम, किसके रिगार्डिंग आता है? टैक्स सीज ऑन इनकम। नेक्स्ट GAAP stands for gap, stands for आपको उसका फुल फॉर्म बताना है कि किसके ऊपर स्टैंड होता है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या आएगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक काम करिए, मेरे जितने भी शॉर्ट फॉर्म दिए हुए ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर इन सबका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है GAAP, जैसे ICSI दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बताया गया है, क्लियर? तो आप इन सभी को इस तरीके के लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ इन सबका शॉर्ट फॉर्म है तो इनका फुल फॉर्म ये होगा, शॉर्ट फॉर्म है तो फुल फॉर्म ये होगा। प्लस इफ अगर किसी का हेडक्वार्टर दिया हुआ है वो कहाँ पर सिचुएटेड हुआ, देन प्लस ईयर विच द लॉन्च, ठीक है, कौन से टाइम में वो एस्टेब्लिश हुआ, ये शॉर्टली एक चीज आराम से एक लाइन में आ जाएगी जो आपके लिए इजिली रिमेंबर रहेगी, ठीक है, बहुत इजिली याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाते अभी किसके हम बता रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, देखा इस तरीके से आप लिखिए, ASB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कब एस्टैब्लिश हुई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? कब एस्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 1977 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये अप्रैल याद रखिएगा, 1977 में क्या हुआ था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC, क्या हुआ? IASC कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये चीज कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? ये कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1973 में। कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? 1973 में। IASC का हेडक्वार्टर कहां पर है? हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर था जल्दी से बताइए, कहां पर था हेडक्वार्टर? लंदन में, हमने पढ़ा था इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन में, मींस यूके के अंदर लंदन में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजीली नॉर्मल क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर कहां पर है, एस्टैब्लिश कब हुआ था ये। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विद, सेम उन्हीं की तरह है, टू किस पे डील करता है? इन्वेंटरी वैल्यूएशन पे। क्लियर? आपको इन्वेंटरी को मैं स्टॉक के नाम से भी बोल सकता हूं कि स्टॉक वैल्यूएशन भी आ जाए। इफ अगर स्टॉक वैल्यूएशन आ जाए तो ऐसा मत सोचना कि अरे ये क्या हो गया, इन्वेंटरी स्टॉक दे आर सेम। क्लियर है यहां पे? चलिए यहां पर व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या चीज पढ़ी इसके अंदर रिगार्डिंग, क्लियर, ये सारी आपको चीजें दी गई है अकाउंटिंग कन्वेंशन पर, कॉमन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हमने पढ़ा, इसमें कॉमन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग जैसे रिकॉर्डिंग करेंगे किस चीज की, प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, वो सारी चीज क्या करेंगे हम रिकॉर्ड करेंगे। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी स्टेट्स दैट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड एवरी ईयर, इफ अगर आप एक बार में जो अकाउंटिंग फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने डेप्रिसिएशन जो फॉलो कर रहे हैं, आपको वही पूरा मेंटेन करना होगा। जैसे आप फॉर्मेट बना रहे हो आपको हर साल वैसा ही फॉर्मेट बनाना है, कि ऐसा नहीं चलो एक साल बोर हो गया कुछ नया बनाते, नहीं ऐसा नहीं होगा,
जो फॉर्मेट चल रहा है वही फॉर्मेट से आपको बनाना पड़ेगा। कैसा? एवरी ईयर, मींस आपका जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता तब तक आप सेम वैसे ही फॉर्मेट में बनाएंगे। क्लियर? देन कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर स्टेट्स दैट ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। किस तरीके से होना चाहिए? वो फुल्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, मींस ऑल मटेरियल रिलेवेंट फैक्ट्स जो है वो सारे कैसे होंगे? फुल्ली डिस्क्लोज होने चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल। कैसा होना चाहिए? मोर मीनिंगफुल। ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे? सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मींस रिलेटेड टू द बिजनेस की है आप वही बताइए, और जो उसका ट्रांजेक्शन है बाहर के आलतू फालतू न्यूज से क्या लेना देना, बिजनेस की बात करेंगे तो सिर्फ बिजनेस का ही बताइए, बराबर है? Then, convention of conservatism states that profit should not be recorded until it is realized. आप profit कब तक record नहीं करेंगे? जब तक वो realized ही नहीं हुआ, बराबर? But if business anticipates any loss in near future, provision should be made in the books of account. Clear? लेकिन if suppose आपको business में कोई भी loss हुआ कब? In future में, तो आप उसको रिकॉर्ड तो करेंगे किस में? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। प्रॉफिट और लॉस हमको रिकॉर्ड तो करना ही है, क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर्स टू द रूल और गाइडलाइन अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी। ये तो क्लियर एक स्टेटमेंट है, हमारे पास आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसी यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन करने होगी। किसके अंदर? अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में, प्लस जो गाइडलाइन और रूल्स आपको दिए गए किसके रिगार्डिंग? जब रिपोर्टिंग करते अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग आपको ऐसा उसको प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, क्लियर? उसको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होगी। द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप जैसा फॉर्मेट बना रहे हैं सेम वैसा ही फॉर्मेट आप बनाते रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्लियर है? Then, यहां पर आपके क्या आएंगे? टर्मिनल एक्सरसाइज है जो आपको कर लेनी है, क्लियर? बहुत इजी है, हमने जो चैप्टर पढ़ा है वही उसी के रिगार्डिंग आ रहे सारे क्वेश्चंस, क्लियर? चलिए यहां पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, क्लियर?